नवागत थाना प्रभारी हंसवर को रहजनों ने बाइक छीन करके चुनौती दिया। प्रसारी की रिपोर्ट। माया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर। तो तुम्हारे साथ कल कैसे और किस तरह घटना घटी? अचानक से मैं ड्यूटी करके शाम के वापस लौट रहा था, तो 8:15 बजे मुझे हर्षमार की बाग के पास तीन लोगों ने बाइक के चलते हुए मुझे मेरी कॉलर पकड़ के मारा और फिर मेरी गाड़ी छीनने लगे। तो मैंने अपनी गाड़ी बचाने की कोशिश की तो अपनी चाबी भी निकाला, तो उन्होंने मुझे चाकू से सर पे और मेरे कान पे भी वार करके मेरी गाड़ी लेके चले गए। कितने लोग थे? सर वो तीन लोग थे, स्प्लेंडर बाइक से थे। उन्होंने गाड़ी कौन सी थी और उसका नंबर क्या है? मेरी गाड़ी थी HF Deluxe UP 45 AM 8077। और वो लोग किससे थे? वो लोग स्प्लेंडर बाइक से थे। एक गाड़ी पे तीन लोग थे? जी एक गाड़ी पे तीन लोग थे वो भी, और अपने नंबर प्लेट पे माटी लगाए हुए थे, पूरा नंबर प्लेट माटी से कवर किए हुए थे। इसका मतलब वो लोग काफ़ी दूर से तुम्हारा पीछा कर रहे थे? सर एग्जैक्टली मुझे ये तो नहीं पता कि पीछा कर रहे थे कहीं, लेकिन अचानक से मेरे सामने आया और मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि बहुत दूर तक लाइट जली नहीं, अचानक से लाइट जली और तुरंत मुझे पकड़ लिया। फिर वो लोग किधर गए? वो फिर भोलेपुर की तरफ आए, और फिर जब मैं थोड़ी दूर पैदल आया तो चौराहे पे उसको अपने पापा के पास फ़ोन लगाने लगा, तो उसके बाद मैंने देखा कि वो मेरी गाड़ी लेके जो मेरी गाड़ी जिसने छीना था फिर टांडा की तरफ वापस गया। तीन लोग गए थे? नहीं सिर्फ एक लोग, जो मेरी गाड़ी छीना था वही। और दो लोग रहे? नहीं वो इधर ही रह गए, अब पता नहीं कहाँ रह गए। मतलब हर समार से गाँव से जहाँ से गाड़ी छीना है वो लोग पूरब आए? जी पूरब आए। फिर कुछ देर के बाद एक लड़का तुम्हारी गाड़ी लेकर के पश्चिम गया? जी। अच्छा उन लोग कितनी उम्र रही होगी लमसम? उम्र तीनों की आई थिंक 30 के पास तीनों की रही होगी। लगभग 30? जी 30 साल। अच्छा बोले से पहले से क्या कुछ? वो जो मेरी गाड़ी लेके गया वो काला सा शर्ट पहना था और काला सा रुमाल और जींस पहना था, और जिसने मुझे मारा वो सफ़ेद शर्ट टी शर्ट पहना था और वो भी छोटा सा था, और एक को तो मैंने नहीं देखा जो गाड़ी चला रहा था। वो लोग अपना मुंह बंद किए थे, ढके थे? नहीं पूरा ओपन था उनका मुंह। अगर वो लोग सामने आ जाएंगे तो क्या पहचान लोगे? जी ज़रूर पहचान लूँगा। इसके संबंध में थाने में दरखास्त दिया? जी मैंने दिया। रिपोर्ट लिखी गई? जी रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने भी मेरी पूछताछ की और मुझे जो भी मेरे साथ घटना हुई उसकी सारी जानकारी पुलिस ने मुझसे पूरा पूछा। देखा कहाँ का चोट लगी है? इधर भी है? नहीं इधर नहीं। तो तुम तो रोजाना उसी वक्त लगभग जी ड्यूटी पर से? जी इवनिंग ड्यूटी पर से वही ड्यूटी खत्म होती तो वही उसी टाइम में मैं लगभग 8:30 के करीब घर आ जाता हूँ, तो वही समय था मैं 35-40 पे घर आता हूँ, तो 25 के करीब 15 के 8:15 के करीब मेरे साथ ये घटना हुई। इसका मतलब उन लोगों को तुम्हारे आने और जाने का टाइम का पूरा अंधारा था? एग्जैक्टली यही कह सकते हैं, क्योंकि अगर उनको ये नहीं मालूम होता तो ऐसे कैसे कर लेते? मतलब रैकी हुई पहले जी ज़रूर देखा होगा, तभी तो मुझे उन्होंने उनको अच्छे से बता था कि ये यहीं तक जाएगा या जहाँ भी जाएगा, उसे मुझे बाग के पास पकड़ा और मेरी गाड़ी छीन कर लेकर गए। तुम्हारा नाम पूरा क्या है? मेरा नाम अहमद जफर है। मेरा नाम क्या है? अब्दुल रहमान। और घर कहाँ पड़ता है? भोलेपुर।